नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सर्प योनि में जन्मे हुए जातकों का, यानी कि सर्प योनि में जिस स्त्री और पुरुष का जन्म होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, सर्प योनि में जन्मे हुए जो जातक होते हैं बहुत चंचल होते हैं, शैतान होते हैं, बचपन में जिद्दी इतने होते हैं, इतनी शैतानी करते हैं कि माँ बाप त्रस्त ही बने रहते हैं। बड़े होने के बाद भी इनका जो स्वभाव होता है वो एक जिद्द, मतलब जिद्द का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, ये करना है तो करना है, यह पाना है तो पाना है, ऐसा स्वभाव होता है सर्प योनि में जन्मे हुए जातकों का। जबकि यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 बार असफल भी होते हैं, लेकिन 11वीं बार विजय इनके हाथ में होती है, ऐसे होते हैं सर्प योनि में जन्मे हुए जातक। क्रोधी होते हैं, गुस्सेबाज होते हैं, छोटी छोटी बातों में इन्हें बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा तभी आता है जब कोई इनको छेड़ता है, वैसे ये शांत रहते हैं। दया ममता नहीं रहती, माया मोह इससे बहुत दूर रहते हैं। अस्थिर मन में पॉजिटिव निगेटिव किसी भी कार्य करने को के पहले उसका सकारात्मक पहलू और नकारात्मक दोनों पर विचार करते हैं, उसके बाद कदम आगे बढ़ाते हैं। खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, पहनने ओढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं, अच्छी पोशाकें पहनना, ड्रेसअप रहना बहुत पसंद होता है। इनका खाने पीने का भी तरीका बड़ा लाजवाब होता है, स्वादिष्ट व्यंजन तो बनाती हैं स्त्रियां, साथ ही साथ जो पुरुष है खाने के इतने शौकीन होते हैं, इनको पूरी थाली सजी हुई चाहिए, एकदम अप टू डेट, कहाँ पर चटनी रखनी है, कहाँ पर रायता रखना है, कहाँ पर दाल रखनी, कहाँ पर भाजी रखनी, कहाँ पर चपाती रखनी, सजी हुई थाली खाने के शौकीन होते। रहन सहन भी बहुत अच्छा होता है, सोने की अलग ड्रेस, मॉर्निंग वॉक की अलग, इवनिंग वॉक की अलग, ड्रेसअप कलेक्शन बहुत अच्छा करते हैं सर्प योनि में जन्मे हुए जातक। लेकिन कोई इनके साथ कितना भी करे, ये कभी किसी का उपकार नहीं मानते, ये मानकर चलते हैं तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुमने मेरे ऊपर मेरी मदद की या मेरा सहयोग किया, ये तुम्हारा धर्म था, ये तुम्हारा कर्म था, उपकार मानने किसी का एहसान नहीं मानते, और ना ये अपेक्षा करते हैं कि कोई इनका भी एहसान माने। यह भी जब लोगों की मदद करते हैं तो इस भावना से करते हैं, मदद की और भूल जाते हैं, ना तो ये एहसान किसी का मानते हैं, और ना ही सर्प योनि में जन्मे हुए जातक किसी को ये बोलते हैं, मैंने तुम्हारे साथ इतना किया तो मेरा एहसान मानो, ऐसे स्वभाव के। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।